दिस डिस्प्रैक्सिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मोटर स्किल. अभी हमने डिसग्राफिया में देखा था. सो दिस इज अ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स. पीपुल विथ डिसप्रैक्सिया हैव ट्रबल इन प्लानिंग एंड एक्सक्यूटिंग फाइन मोटर स्किल्स. और यह एग्जाम्पल भी है, आप ध्यान से सुने. फाइन मोटर स्किल्स लाइक विविंग गुड बाई टू गेटिंग ड्रेस्ड. मतलब इसको क्या माना, फाइन मोटर स्किल्स में. हालांकि वहां भी हम लोगों ने देखा था कि डिसग्राफिया में भी प्रॉब्लम होता है, कि डिसप्रैक्सिया में भी कहा कि फाइन मोटर स्किल्स, और वो तो हैंडराइटिंग वगैरह से भी रिलेटेड थोड़ा था. इसमें हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि गुड बाई यदि आपको करना है तो हाथ हिलाने में भी आपको कठिनाई होगी. प्लानिंग प्लानिंग एंड एक्सक्यूटिंग मोटर स्किल्स लाइक बीविंग गुड बाय और टू गेटिंग ड्रेस्ड, कपड़ा वगैरह पहनने में भी कठिनाई होगी. इट इन्फ्लुएंसेस मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में भी दिक्कत. लैंग्वेज एंड स्पीच, और इसके साथ साथ मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है. चलने में हो सकता है लड़खड़ाए, और फिर लैंग्वेज और स्पीच में भी. तो फाइन मोटर स्किल ये ज़्यादा जो मोटर स्किल का पार्ट है. हालांकि वहाँ भी फाइन की चर्चा थी, लेकिन वो मुख्य रूप से हैंड राइटिंग और राइटिंग पे थी. और माना जाता है वो तीन जो हम लोगों ने पढ़ा, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये मेन तीन लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर माने जाते हैं. सो फार एज डिसप्रैक्सिया इज कंसर्न, इट इज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स. एग्जाम्पल भी दिया हमने. इट इज ए लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, ये तुम कह भी चुके हैं, विथ नो क्योर, बट देर आर ऑप्शन फॉर हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव, टू फंक्शन एंड टू बी इंडिपेंडेंट. यहाँ लिखना भी नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है, तो आम जीवन जीने की समस्या है. चूंकि आप कपड़ा अपने से नहीं पहन सकते, किसी को गुड बाई नहीं कर सकते, आपका मूवमेंट अफेक्टेड है, ये एक तरह से वैसे बाकी जो प्रॉब्लम हो तो लर्निंग से संबंधित था ही, लेकिन लर्निंग फॉर फॉर्मल स्कूलिंग एंड लाइक दैट, लेकिन ये तो लाइफ लर्निंग से रिलेटेड है. साइकोलॉजिस्ट डू नॉट कंसीडर इट एज ए लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसा कि हमने कहा, बट सजेस्ट दैट इट को एग्जिस्ट विथ अदर लर्निंग डिसेबिलिटी. कुछ कुछ सिम्टम तो इसका डिसग्राफिया का है ही, चूंकि वहाँ भी मोटर स्किल की बात थी. वन कैन कंक्लूड दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू डिसग्राफिया, जो मैं बात कर रहा था कि चूंकि ये कहा कि ये मेन लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये कोई एग्जिस्ट विथ अदर लर्निंग डिसेबिलिटी, अदर लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ कोई एग्जिस्ट करता है. और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषताएं हैं, वो मुख्य रूप से जो पहले हमने पढ़ा डिसग्राफिया, जो मोटर स्किल से संबंधित था, जो हैंड राइटिंग से संबंधित था, उसी का ये सेकेंडरी पार्ट कह सकते हैं, लोगों का मानना है. लेकिन बहुत लिटरेचर में इसको अलग से भी वन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिसप्रैक्सिया व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस फाइन मोटर स्किल्स लाइक वीविंग एंड ड्रेसिंग एंड लाइक दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट.